इस वक्त की बड़ी खबर, जहां महाराष्ट्र के पात्रा चौल घोटाले में आरोपी शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रात 12 बजे गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की ओर से ये एक्शन लिया गया। राउत रविवार को शाम 5:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। वहीं राउत की गिरफ्तारी के बाद उनके भाई सुनील राउत ने कहा कि गलत तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, हमें गिरफ्तारी के संबंध में कोई कागज नहीं दिया गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक राउत के घर से 11 लाख से अधिक का कैश मिला है। इस कैश का राउत हिसाब नहीं दे पाए हैं, जिसके बाद ईडी ने उस कैश को बरामद कर लिया है। वहीं संजय राउत के भाई सुनील ने बताया है कि सोमवार उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी की टीम पूछताछ के लिए कस्टडी की मांग कर सकती है।